जींस के कारोबार में आप हैं, जींस का बिजनेस आप करते हैं, जींस का दुकान आपका है, तो यह वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिए। जींस का आप जींस परचेज कहाँ से करते हैं? दिल्ली से करते हैं या उल्लासनगर से करते हैं या मुंबई से करते हैं, इंदौर से करते हैं? कहाँ का जींस बेस्ट है, कौन सी फिटिंग कहाँ से मिलती है, वीडियो में आज यह पूरा डिटेल आपके लिए। दोस्तों, अगर आप होलसेलर हैं और अगर जींस से दिल्ली खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जींस एक ऐसा लेगवियर है जो आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों तक का फेवरेट लेगवियर है। दोस्तों, बोलते हैं कि खरीदने में चूक हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता कौन सा कपड़ा लेना है, कौन सा कपड़ा नहीं लेना है। तो दोस्तों, वीडियो मेरी हर कपड़े में बनी है, आप मेरे चैनल पे दीवान गार्डनिंग पे जाके देख सकते हैं, हर कपड़ों के विषय में जानकारी ले सकते हैं, फिटिंग भी देख सकते हैं, मार्केट आपको कौन सा अच्छा है वो भी वीडियो है। तो दोस्तों, दीवान गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए, तो आपको जानकारियाँ काफ़ी मिल जाएगी। दोस्तों, जींस की बात कर रहे थे। जींस दोस्तों, जैसा आपको मालूम हुआ, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी लेग वियर में काफ़ी पॉपुलर है जींस की वजह से। आज जो टेलरिंग है, जो टेलर्स हैं, उनके भी लगभग धंधों पे, उनके भी दुकानों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और अगर आप जींस खरीदने के लिए सोच रहे हैं और जींस का व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको मार्केट देखना है। दोस्तों, जींस का व्यापार करना चाहते हैं तो कपड़े की परख जरूरी है। और कपड़े की परख कैसी होगी दोस्तों? कुछ कपड़े तो मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं दी है दोस्तों, तो एक बात है, एक बात आप समझ लीजिए, दूर से आते हुए आदमी को आप तभी देख पाएंगे, तभी पहचान पाएंगे जब आप उससे काफ़ी टाइम तक काफ़ी मिले हुए हैं, काफ़ी टाइम तक उससे बात किए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, जाहिर सी बात है, कोई भी पहचान आइडेंटिफाई तभी होती है जब हम उस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। दोस्तों, बोलते हैं ना कि अगर दूर से आता हुआ अपना भाई भी हमको उसकी चाल ढाल देख के ही हम पहचान सकते हैं कि वो हमारा भाई आ रहा है। और पहचान हम किसको नहीं पाते, दूर से आते हुए को, जिससे हम बहुत कम मिले हुए हैं। अगर हम अपने कभी पुराने दोस्त को भी दूर से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारा दोस्त आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए कि अपने पिताजी का जो मामा आ रहा है, काफ़ी दूर से आ रहा है, तो हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ तक कि जब तक वो हमारे नज़दीक नहीं आता है, तब तक हम कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि वो हमारा रिलेटिव है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि हम कपड़े के साथ जितना बैठेंगे, कपड़ा जितना हम देखेंगे, उतना हमको समझ में आएगा कि कपड़ा कौन सा है। जिस चीज़ से हम ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, कपड़ों के साथ में रहेंगे, तो हमको हर कपड़ा समझ में आएगा कि भाई कपड़ा कौन सा है। अगर आप एंकल फिट खरीदते हैं और एंकल फिट आपके दुकान पे एंकल फिट कस्टमरों की ज़्यादा डिमांड है, तो आपके लिए दिल्ली बेस्ट है। क्योंकि दिल्ली में जो एंकल फिट का फिटिंग है, वॉशिंग है, कपड़ा है, वो सब कॉटन बाई कॉटन और 3x1, ये दो कपड़े दिल्ली में एंकल फिट में ज़बरदस्त चलते हैं। यही अगर आप उल्लासनगर में लेंगे, तो उल्लासनगर में एंकल फिट आपको पोली नेटिंग, कॉटन नेटिंग और 3x1 में मिलेगा। लेकिन जो फिटिंग की बात किए करें, तो दिल्ली का जो फर्मा है, आजकल युवाओं को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ का जो एंकल फिट है, पोलो फिट है, काफ़ी टाइट बन रहा है। और जो वहाँ की लूजिंग है, 6 इंच दे रहे हैं। और यही उल्लासनगर मुंबई की जो फिटिंग है, वो 7 इंच की है। और लेंथ देखा जाए तो लेंथ जो एंकल फिट की दिल्ली से आ रही है, वो 37-38, लास्ट 39 है। और जो उल्लासनगर की जींस है, यहाँ का जो एंकल फिट है, वो 39-40 इंच का लेंथ आ रहा है। अगर आप साउथ से हैं, साउथ में आपका जींस का कारोबार है,
तो आपको दिल्ली नहीं आना है, आपका जो जींस मिलेगा वो मुंबई और उल्लासनगर में ही मिलेगा, क्योंकि जो उल्लासनगर का जींस की लंबाई है या मुंबई की जींस की लंबाई है वो है 40 से स्टार्ट होती है, 40, 41, 42 और 43। यही जब आप दिल्ली में जाएंगे, अगर एंकल फिट नहीं भी लेंगे, एक नॉर्मल फिटिंग लेंगे, स्ट्रेट फिट भी लेंगे, तो वहाँ की जींस लास्ट में लास्ट 40 लेंथ होती है। दोस्तों समझ गए होंगे, अगर एंकल फिट ले रहे हैं तो आपको दिल्ली देखना है, और फुल लेंथ ले रहे हैं, स्ट्रेट फिट, बूट कट या कंफर्ट ले रहे हैं, तो ये आपके लिए उल्लासनगर सबसे बेस्ट है। कपड़ों में देखा जाए तो आपको दिल्ली में कॉटन बाई कॉटन पोली नेटिंग बहुत ही कम और 3x1 कपड़ा वहाँ भरपूर मिलेगा। और उल्लासनगर की बात की जाए तो उल्लासनगर में आपको सिल्की, डॉबी, कॉटन बाई कॉटन और पोली नेटिंग और 3x1 यहाँ वैरायटियाँ काफ़ी हैं। और यहाँ जो फिटिंग मिलेगी, फिटिंग आपको बूट कट, नैरो, पेंसिल फिट, एंकल फिट, लगभग लगभग उल्लासनगर में सब वैरायटियाँ अवेलेबल हैं। डी लेबल की बात की जाए, कॉपी की बात की जाए, तो आपको दिल्ली में डी लेबल आप जिस ब्रांड का चाहें उस ब्रांड का मिल जाएगा, लेकिन उल्लासनगर में पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो प्राइस की बात देखी जाए तो दिल्ली में जो डी ब्रांड है वो जीन्स 450 से स्टार्ट हो जाती है। उल्लासनगर में आपको डी लेबल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो कॉटन बाई कॉटन है वो 450 से यहाँ भी स्टार्ट होता है। 450 से लेके 600-700 की जीन्स कॉटन बाई कॉटन बेहतरीन कपड़े में उल्लासनगर में उपलब्ध है। अगर यही आपको अच्छा मार्जिन में बेचना है, अच्छा मार्जिन में लेना है, तो कॉपी आप लेंगे तो कॉपी आपको मिलेगा दिल्ली में। तो दिल्ली और उल्लासनगर का ये मार्केट का डिफरेंट है। उल्लासनगर में सब वैरायटियां हैं लेकिन कॉपी नहीं है, और फिटिंग है, अच्छी लेंथ है, लेकिन अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो दिल्ली में कॉपी है, एंकल फिट वहाँ का बढ़िया है, और स्ट्रेट फिट और कंफर्ट अगर ये परचेज करना है तो इसके लिए आपको उल्लासनगर देखना है। दोस्तों वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हमको जींस कौन सा फिटिंग कहाँ मिलेगी।